ई सामग्री निर्माण प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोजेब्रा टूल की सहायता से यह सिद्ध करेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो आज हम जियोजेब्रा टूल्स की मदद से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रूफ करेंगे दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा ग्राफिक टूल है इसमें से हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम पॉलीगन टूल से एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से हमने इधर एक पॉइंट ले लिया और एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया। अब आपने देखा ए बी सी डी, एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इसमें ए डी जो लाइन है हमारी बी सी की पैरेलल है और ए बी इक्वल टू डी सी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। तो स्टाइल में जाएंगे हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टाइल में जाके हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे लाइन को और यहाँ पे हम इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। तो ये दोनों लाइन हमारी इक्वल है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद हम ये वाली जो हमारी लाइन है इसमें हम सिंगल कट वाला निशान लगाएंगे, ये किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। तो हम इस पर भी ये वाला निशान लगाएंगे। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो चार हमारे वर्टेक्स है ए बी सी डी, इसमें हम सर्कल लगाएंगे। जियोजेब्रा में हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये अलग टाइप का थोड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, जो डिफरेंट होगा, जो प्रूफ करने का एक तरीका है। तो इसके लिए हम सर्कल में जाएंगे और सर्कल सेंटर रेडियस ले लेंगे, वर्टेक्स ए पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वन लिख देंगे और ओके कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे में जाएंगे, यहाँ पे भी वन ओके, इसके बाद सी में और उसके बाद डी में। तो आपने देखा कि हमने चार सर्कल चार वर्टेक्स में लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें इंटरसेक्ट पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो ए वर्टेक्स में इंटरसेक्ट पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हमें ये वाला टूल ले लेंगे पॉइंट वाला, इसमें इंटरसेक्ट आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे। इसी प्रकार सभी में हम इस प्रकार पॉइंट लगा लेंगे। अब हमने चारों वर्टेक्स पर सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं और हमें इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ से प्राप्त हो गए। अब हमें इन सर्कल की आवश्यकता नहीं है, तो हम इन सर्कल को यहाँ से हटा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सर्कल पहला, इसको हटाया, दूसरा सर्कल, तीसरा और चौथा। अब हमें इन पॉइंट्स पे एक आर्क लगाएंगे, उसके लिए हम सर्कल में जाएंगे और सर्कुलर सेक्टर को ऑप्शन को चुनेंगे। अब इसमें ए वर्टेक्स को क्लिक करके हम ई को क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये एफ पे हमने एक आर्क लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे क्लिक करेंगे एच और एक आर्क हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी प्रकार सी पे, इसी प्रकार डी पॉइंट को लेंगे और यहाँ पे हमने आर्क लगा दिए। अब आपने देखा कि हमने ए बी सी डी पे आर्क लगा दिया। अब हमें ए और सी के बीच में एक पॉइंट चाहिए जो एक्यूरेट बीच में पॉइंट
आएगा ताकि हम इसको आसानी से कंपैरेटिव स्टडी या तुलना कर सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं फिर पॉइंट टूल में और यहाँ पे देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ सेंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सी को क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं पी पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइडर टूल बनाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और एक स्लाइडर को हम लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमें एंगल्स की तुलना करना है, तो हम एंगल्स को लेंगे यहाँ पे, और A45 लिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हमने इसको B का नाम दे दिया है और मैक्सिमम 180 हम इसको ले लेंगे और इंक्रीमेंट हम 1 ही रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आप देख रहे हैं हमारा एक स्लाइडर यहाँ पे बन गया है। अब क्या करेंगे, हम अब जो हमारा A वर्टेक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम एनिमेशन देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे, इसके लिए हम अब हम सबसे पहले अब हम रोटेशन टूल में जाएंगे, रोटेट अराउंड पॉइंट को लेंगे, इसे लेने के बाद हम इसको क्लिक करेंगे तो अब हम एंगल ए में एनिमेशन देंगे। तो इसके लिए हम टूल सेलेक्ट कर लेंगे, रोटेट अराउंड पॉइंट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर सेंटर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अराउंड रोटेट अराउंड पॉइंट्स में हमने पहले बी डिफाइन किया हुआ है स्लाइडर में, तो हमें यहाँ पे बी देना होगा। तो बी देने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक एनिमेशन छोटा सा पार्ट सर्कुलर सेक्टर का यहाँ बन गया है। इसे मूव करा के देखेंगे स्लाइडर से, तो ये मूव कर रहा है। इसके बाद इस सेक्टर को हम कलर देंगे, तो इसके लिए हम सेटिंग में जाके ऑप्शन चुनेंगे कलर, और यहाँ पर जाके इस लाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्काई ब्लू कलर ले लेंगे। आपने देखा स्काई ब्लू कलर आ गया। अब इसकी ओपेसिटी बढ़ा के इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, तो ए एंगल को हमने थोड़ा डार्क कर दिया। इसी प्रकार जो एंगल मूव करेगा इसको सर्कुलर सेक्टर बोलेंगे, इसको हम थोड़ा अलग कलर देंगे ताकि दिखाई दे मूव करते समय, इसको भी हम डार्क ब्लू रंग से यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद एंगल सी में वही कलर देंगे स्काई ब्लू, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है। तो आप देख रहे हैं स्लाइडर की मदद से हमने इसको मूव करके देखा तो एक्यूरेट अपनी जगह पे ये मूव कर रहा है। अब इसी प्रकार हम एंगल बी को ले लेते हैं, तो इसका भी हम मिड पॉइंट पहले ढूंढेंगे, तो पॉइंट ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पर मिड पॉइंट ऑप्शन को हम यहाँ पे चुनेंगे, इसको बी पॉइंट को क्लिक करके फिर हम मिडिल पॉइंट को क्लिक करेंगे और फिर हम डी को क्लिक करेंगे, तो हमें बीच का पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसमें फिर वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, रोटेट अराउंड द पॉइंट्स, क्योंकि हम इस एंगल को भी मूव करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर बीच वाले को क्लिक करेंगे और इसको हम वही नाम देंगे जो हमने पहले दिया था बी, जो स्लाइडर में दिया हुआ है, और इसको फिर ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा एक और इसका जो सर्कुलर सेक्टर बन गया है बी वाले का, इसको भी हम कलर दे देंगे ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो, तो इसको हम अलग कलर दे देते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा अलग कलर दिया है, ऑरेंज कलर लगभग दिया है। इसी प्रकार दूसरे वाले एंगल को भी हम वही कलर दे देते हैं, ऑरेंज येलो मिक्स कलर दिया हुआ है। तो अब जिस एंगल को मूव करना है, जिस सेक्टर को हमें मूव करना है, उसको हम थोड़ा अलग कलर देंगे। अब हमने इसको
सिलेक्ट किया और इसको हमने थोड़ा डार्क रंग दे दिया है। अब हम स्लाइडर को मूव करके देख रहे हैं तो ए एंगल सी को प्रूव कर रहा है अपोजिट एंगल आर द इक्वल, और ऐसे बी डी को प्रूव कर रहा है कि बी एंगल सिमिलर टू डी एंगल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये देखिए मूव करके एक्यूरेट ए एंगल सी पे जा रहा है और बी एंगल डी पे जा रहा है, तो ये दोनों अपोजिट साइड के एंगल इक्वल हैं। अब हम जो लेवल है इसमें, इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, लेवल्स को, सारे लेवल्स को धीरे धीरे हम हटा देंगे यहां से। अब आप देख रहे हैं कि हमने सारे लेवल्स हटा दिए हैं। लेवल हटाने से अब आपको क्लियर दिखाई देगा, जब स्लाइडर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो आपको एंगल एकदम क्लियर मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होते हुए सिमिलर एंगल है, और बी और डी वो भी अपोजिट होते हुए सिमिलर एंगल है। अब हम इसके लिए एक बटन्स बना लेते हैं ताकि एनिमेशन के माध्यम से एंगल को मूव करना आसान हो। तो इसके लिए हम पहले स्टार्ट बटन बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एनिमेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे बी। बी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा हमने स्लाइडर को बी नाम दिया हुआ है। तो ओके कर देंगे, यहाँ स्टार्ट बटन आ गया, इसको मूव करके एक साइड में हम यहाँ पे रख देंगे। अब हमें एक बटन की और जरूरत पड़ेगी, स्टॉप, एनिमेशन को रोकने के लिए स्टॉप हम बनाएंगे बटन। तो इसका नाम लिखेंगे स्टार्ट एनिमेशन ब्रैकेट में फॉल्स। अब इसको ओके कर देंगे और आप देख रहे हैं कि हमारा ये बटन भी यहाँ पे बन गया। अब इन बटन्स को अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कलरफुल बनाना चाहते हो, तो इसके लिए फिर वही टूल्स को ओपन करेंगे, सेटिंग कलर्स में जाएंगे और कलर्स में जाकर हम इसका कलर चुन लेंगे बैकग्राउंड। दूसरे बटन का भी हम इसी प्रकार ग्रीन कलर लेके इसका भी बैकग्राउंड चुन लेंगे। तो आपने देखा कि हमने दो बटन क्रिएट कर दिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे तो एनिमेशन इस तरह मूव करेगा, स्लो मोशन में धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा है, और स्टॉप करने से हम रोक सकते हैं। तो इन बटन की सहायता से आपने देखा कि हम एनिमेशन के माध्यम से भी पैरेललोग्राम के एंगल्स की हम इससे तुलना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, जो हमने एनिमेशन के माध्यम से प्रूव किया है। इसी प्रकार एंगल बी एंगल डी के बराबर है, इसे भी हमने एनिमेशन के माध्यम से प्रूव किया है। तो आपने यहां पर देखा कि किस प्रकार जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की मदद से हम बड़े आसानी से और इंटरैक्टिव वे से एंगल्स के बीच में तुलना कर सकते हैं कि द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप भी इस प्रकार के एनिमेशन का प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके कई सारे फिगर्स को यहाँ पे बना सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी हमारे थ्योरम है उसको भी हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं।